मॉस्को पर ड्रोन हमले के बाद से ही यूक्रेन का आत्मविश्वास बढ़ चुका है और वो इस युद्ध में रूस को पटकनी देने का पूरा प्लान बना रहा है। जानकारी के अनुसार यूक्रेन ने रूस के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और अपने टैक्टिकल तरीके से रूसी सैनिकों को बैकफुट पर लाने का काम कर रहा है। यूक्रेन ने रूस के कुसुर्ग इलाके में घुसपैठ करके दुनिया को चौंका दिया है। यूक्रेन ने 2 सप्ताह में रूस के 1,263 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ यूक्रेन ने दुनिया को बता दिया है कि रूस इस जंग में एक तरफा नहीं जीत सकता है। जिस तरह से यूक्रेन से रूस के इन इलाकों पर कब्जा किया है, ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहला मौका है जब किसी और देश ने रूस की इतनी जमीन पर कब्जा किया होगा। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 2024 के 8 महीने में जितने इलाके पर कब्जा किया है, उससे ज्यादा जमीन पर यूक्रेन ने 2 हफ्तों में कब्जा कर लिया। यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ ओलेक्सांद्र सिरक्सी ने बताया कि यूक्रेनी सेना ने रूस के कुसुर्ग इलाके के 1,263 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर कब्जा कर लिया है। हमारी सेना कुसुर्ग में 28 से 35 किलोमीटर तक अंदर पहुंच गई है। रूस विश्लेषक जॉर्ज बेरोस के मुताबिक रूस पूरे 2024 में 1,252 वर्ग किलोमीटर यूक्रेनी जमीन पर कब्जा कर पाया। वहीं यूक्रेन ने 2 हफ्तों में 1,263 वर्ग किलोमीटर रूसी जमीन पर कब्जा कर लिया है। कुसुर्ग में युद्ध बढ़ने से यूक्रेन की गति कम हुई है। यूक्रेन ने पहले सप्ताह में 1,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन दूसरे सप्ताह में 263 वर्ग किलोमीटर पर ही कब्जा कर पाया। यूक्रेन मॉस्को को भी ड्रोन हमलों से निशाना बना रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वायु रक्षा बलों ने मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों में 11 ड्रोन मार गिराए। मॉस्को के मेयर सर्गेई सबियानी ने कहा है कि यह मॉस्को पर ड्रोन से हमला करने का एक अब तक की सबसे बड़ी कोशिश है। रूस ने मई 2023 में भी 8 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए थे। रूस के सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदेवेद ने कहा है कि शांति के बारे में मध्यस्थतों की बातचीत खत्म हो गई है, जिन्हें किसी ने नियुक्त नहीं किया था। कुसुर क्षेत्र में यूक्रेनी घुसपैठ का मतलब है कि जब तक यूक्रेन पूरी तरह से पराजित नहीं हो जाता, तब तक मॉस्को और कीव के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। हालांकि एक और मोर्चे पर लड़ाई शुरू करने से यूक्रेन की सेना बट गई है। इससे यूक्रेन की अपनी रक्षा करने की क्षमता पर असर पड़ेगा। जानकारों का कहना है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की यह जीत कम समय के लिए है और हार में बदल सकती है। अभी यूक्रेन का फोकस कुसुर्ग पर है, जिससे रूस को दोनोस्क और सभी जगह से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ तातियाना स्टेनोवाया कहती हैं कि रूस अपनी दूसरे विश्व युद्ध की रणनीति अपना रहा है। उसकी यह रणनीति रही है कि वह पहले दुश्मन को अंदर आने देता है और फिर घेर कर हमला करता है। इस वजह से यूक्रेन का कुसुर्ग अभियान जेलेंस्की के लिए उल्टा साबित हो सकता है। बाकी जानकारी के लिए और खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।